अगर आज विपक्ष का भारत बंद नहीं होता तो शायद ये बच्ची जिंदा होती। अगर बंद के नाम पर सड़कें बंद नहीं होती तो इस बाप के चेहरे पर इतनी मायूसी नहीं होती। इस भारत बंद से भले ही लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इस बाप की पूरी दुनिया उजड़ गई है। गाड़ी घोड़ा चलते रहते तो आगे पहुंच ही जाते हैं, मोटरसाइकिलों से भागते धाएंगे। ये शख्स अपनी 2 साल की बेटी को लेकर जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। जहानाबाद में हुए इस महापाप के मुद्दे को दिल्ली में उठाया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। और बिहार में एक जगह तो एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया तो 2-3 साल की बच्ची की मौत हो गई। कौन जिम्मेवार है इन मौत का और इन हिस्सा का? राहुल गांधी, वो 2-3 साल की बच्ची की जो मौत हुई क्योंकि आपके लोगों के द्वारा रोकने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि विरोधी पार्टियों के बंद में अपनी बेटी खो चुके इस बाप के आंसुओं के लिए जिम्मेदार कौन है?